जो एप्पल का इवेंट हुआ है वहाँ पे तो दिन था, इंडिया में रात थी। तो 2018 सितंबर के इवेंट में एप्पल ने लॉन्च किए हैं 3 आईफोन वेरिएंट। नौ आईफोन वेरिएंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो सिंपल भाषा में मैं आपको बता सकूं उतना ट्राई करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अमित पांडे। एप्पल ने लॉन्च किए हैं 3 आईफोन, और 3 आईफोन के जो मॉडल हैं उसके नाम हैं आईफोन X10X, आईफोन X10 मैक्स और आईफोन X R। तो ये तीनों वेरिएंट हैं। इसमें आईफोन X R जो है वो सस्ता वाला वेरिएंट है, एप्पल ऐसा कहता है। वो सस्ता तो है नहीं है, 77,000 का वो भी है। और आईफोन के जो दो वेरिएंट हैं वो महंगे वेरिएंट है। तो पहले हम बात करते हैं आईफोन के महंगे वेरिएंट की बारे में, आईफोन X और आईफोन X मैक्स के बारे में। फोन का X और X मैक्स है वो आप समझ लीजिए, आईफोन X आपने देखा होगा, तो ये आईफोन X है। तो आईफोन X की जो स्क्रीन है वो 5.8 की आती है, तो उसी सेम आईफोन X जैसा ही दिखने वाला आईफोन X है। पिछले साल लॉन्च हुआ था, तो आईफोन X जो है वो सेम आईफोन X की तरह ही दिखता है, लेकिन उसके अंदर जो बायोनिकल चिप है, मतलब कि जो चिप है A11 है इसके अंदर, और उसके अंदर A12 है। तो मतलब कि जो प्रोसेसर है और ये सब फास्ट काम करते हैं। तो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँ, तो आईफोन X मैक्स जो है वो 6.5 इंच का स्क्रीन आता है। तो जो स्क्रीन आप साइज देख रहे हैं, तो एज टू एज स्क्रीन ये 5.8 की है। तो X मैक्स जो है वो आपको थोड़ी इससे बड़ी साइज मिलेगी। तो इस तरीके का दो वेरिएंट है, और दोनों की स्क्रीन जो है वो 5.8 और 6.5 है किया है इसमें। सिर्फ स्क्रीन साइज बढ़ा दी है, और थोड़े बहुत जो उनके कंपैरिजन होते हैं खुद एप्पल के साथ उस तरीके से कि ये थोड़ा सा फास्ट है, ये इससे थोड़ा सा अच्छा है। और जो कैमरा भी है वो 12 मेगापिक्सल का ही है, लेकिन इसमें एक और अच्छी बात दी गई है कि आप फोटो लेने के बाद अपर्चर सेट कर सकते हैं। वेरिएंट आईफोन X और X मैक्स, तो इसमें नया क्या है, तो एक बात हम कह सकते हैं कि ड्यूल सिम का ऑप्शन दिया गया है। ड्यूल सिम मतलब इसके साथ आएगा, लेकिन वो ई सिम होगा। तो हम इंडिया में जैसे सिम कार्ड लगाते हैं वो वाला नहीं, ई सिम का मतलब है बारकोड से स्कैन करके आपको फिर आपके फ़ोन में आपका सिम एक्टिवेट होता है। तो वो कॉन्सेप्ट तो अभी इंडिया में आप भूल ही जाइए। इंडिया मुझे जो एप्पल इवेंट से लगा वो मेन बात लगी प्राइस की। प्राइस उन्होंने बहुत ही दमदार रखी है, और बहुत ही महंगा फ़ोन जितना कर सकते थे उन्होंने किया है। तो जो 5.8 इंच का डिस्प्ले वाला आईफोन X है उसकी प्राइस उन्होंने रखी है 1 लाख रुपये में, 100 रुपये ही कम है, तो 1 लाख समझ लीजिए स्टार्टिंग प्राइस। और दूसरा जो वेरिएंट है मैक्स, जो बड़ा वाला वेरिएंट है, उसकी प्राइस उन्होंने रखी है 1,10,000 रुपये में, 100 रुपये कम इंडिया के लिए। तो मैं बता दूँ इसमें कौन कौन से स्टोरेज के वेरिएंट मिलते हैं। तो आपको तीन वेरिएंट में ये फ़ोन दोनों स्टोरेज मिलते हैं, 64 GB, 128 GB उन्होंने हटा दिया है, तो 64 GB, 256 GB, और उसके बाद 512 GB का नया वेरिएंट लॉन्च किया है। तो आईफोन तीन वेरिएंट में मिलेगा, और उसकी प्राइस की स्टार्टिंग जो है वो 1 लाख और 1,10,000 से चालू होगी। फोन X और मैक्स लेना है तो सितंबर 28 से ये स्टोर में मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरा वर्जन जो उन्होंने लॉन्च किया है वो आईफोन X R के बारे में बात करता हूँ। वो उनका चीपेस्ट वर्जन वो लोग कह रहे हैं एप्पल वाले। तो मेन बात है कि आईफोन 8 और 8 प्लस की जगह पे आप कंसीडर कर सकते हैं आईफोन X R को। में खास बात क्या है, तो उन्होंने पूरी स्क्रीन आईफोन X जैसी कर दी है, मतलब एच टू एच डिस्प्ले आप देख सकते हैं इस तरीके का। और उन्होंने जो नीचे आता था टच बार वो हटा दिया है, तो अब टच आईडी भी काम नहीं करेगा, फेस आईडी से ये काम करेगा। तो इसमें स्क्रीन जो है वो 5.8 इंच की दी है उन्होंने, जिसे एप्पल लिक्विड रेटिना डिस्प्ले कह रहे हैं। और वो चिपेट वर्जन में अच्छा एक डिस्प्ले है, क्योंकि एच टू एच डिस्प्ले वो आता है 6 कलर वेरियंट में ये लॉन्च होगा, जबकि X जो है वो 3 कलर वेरियंट में ही है। तो ये जो आईफोन X R है वो 6 कलर वेरिएंट में आपको मिलेगा। आईफोन X R की प्राइस जो इंडिया में रखी गई है वो 77,000 है। X R जो है वो इंडिया में आपको अक्टूबर 26 से मिलना शुरू होगा स्टोर्स में। तो जो पहले है एप्पल आईफोन X और X मैक्स बेचेगी वो जो है सितंबर 28 से मिलेगा, और उसके एक महीने बाद अक्टूबर 26 से आपको आईफोन X R मिलना शुरू। आईफोन X R जो है वो बहुत ही अच्छा वेरिएंट लॉन्च किया है। 77,000 प्राइजिंग तो ज़्यादा ही है, लेकिन एप्पल हमेशा प्राइजिंग ज़्यादा ही रखता है।
तो आईफोन 10R को आप कंसीडर कर सकते हो। अगर आपके पास आईफोन 7, 6 या आईफोन 8 तक है तो आप 10R ले सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब ठीक बा।